प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश इस 15 अगस्त को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं मोदी सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे साल अमृत महोत्सव मनाया। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया। पूरा देश आजादी के अमृत काल में देशभक्ति में सराबोर नजर आया। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हर घर तिरंगा अभियान, देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। तिरंगे के रंग में सराबोर देश। शान तिरंगा, अभिमान तिरंगा, चरखे से तिरंगे तक का आजादी का सफर। लाल किला से संसद तक तिरंगा बाइक रैली। देश इस बार 15 अगस्त को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के इस खास अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है। जहां सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए गए। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के लाल किले से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर या यूं कहें डीपी पर मंगलवार को तिरंगा लगाया और कई लोगों ने इसे फॉलो करते हुए अपनी भी प्रोफाइल में तिरंगा लगाया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन में बदल रहा है और उन्होंने लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का अनुरोध किया था। दूसरी तरफ लोगों में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने का भरपूर जोश देखने को मिला। किसी ने घर घर तिरंगा लगाया तो किसी ने साइकिल रैली, बाइक रैली तिरंगा लगाकर की। आजादी के दीवाने आजादी के महोत्सव में डूबे हुए हैं। स्कूल, कॉलेज और गांव की पंचायत से लेकर तमाम कंपनियां, सरकारी कार्यालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में अलग अलग तरह से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस बारे में संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख करने वाले गृह मंत्री ने हमारे ध्वज को और सम्मानित करने के लिए हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। विद्यालयों में भी बच्चों ने तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और आजादी के गीत गाकर वीर जवानों को याद किया। इतना ही नहीं, देश के कई जिलों में भी हर साल तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया जाता है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस बार हर बैरक को भी तिरंगामय किया गया। इस बार कश्मीर में भी आजादी के जश्न में बच्चे डूबे हुए नजर आए, जहां हाथ में तिरंगा लिए रैली निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की मुहिम में उत्तर प्रदेश की जेलों में भी बंद कैदी भी अपना योगदान देने में जुटे नजर आए। जेल में बंद कैदियों को बड़ी संख्या में तिरंगा बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को भारतीय सेना की रेजिमेंट धूमधाम से मना रही है। रुद्रप्रयाग में तैनात 11 मराठा रेजिमेंट ने भी आजादी के अमृत महोत्सव पर मैराथन दौड़ के साथ ही सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। इसके
इसके साथ ही आर्मी के जवानों ने देशभक्ति से जुड़े अनेक कर्तव्य दिखाए। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों के साथ ही पूर्व सैनिकों और स्थानीय जनता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वही साल भर चले अमृतकाल में कई सौगातें भी केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दी गई। उसी में से आत्मनिर्भर किसान के तहत 75 किसान सशक्तिकरण अभियान, 75 किसान सम्मेलन, 75 सतत योगिक कार्यक्रम और किसानों के कल्याण के लिए ऐसी ही अनेक पहलों का आयोजन किया गया। साथ ही इसके तहत महिला सशक्तिकरण और बालिका सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा मासिक स्वच्छता अभियान, सामुदायिक सफाई कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शामिल किया गया। हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन समेत कई सितारे हर घर तिरंगा अभियान के वीडियो एवं थीम गाना में नजर आए। बता दें कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष की उपलब्धियां, 75 वर्ष में एक्शन और 75 वर्ष पर संकल्प शामिल है। जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसका मकसद देश के लोगों को संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को युवाओं को बताना और मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने उन दीवानों को याद किया जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। प्राइम टीवी भी उनकी वीरता को सलाम करता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जहां देश ने बड़े ही धूमधाम से अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 76 साल आजादी के पूरे होने पर देश तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आया। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और आजादी के महत्व को समझा गया। साथ ही साथ जितने भी बलिदानी हैं, उनके बलिदान को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हम भी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।